हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चला हुआ है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज है लेक्चर नंबर 4 क्लास 12। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चार्ज कैरियर्स, तो आपको एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूं। तो चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, गैसेस, पहले लिक्विड देख लेते हैं, लिक्विड्स, गैसेस एंड वैक्यूम ट्यूब, ये आपके इनके अंदर चार्ज कैरियर्स आपको पढ़ने हैं। तो देख लेते हैं, कंडक्टर्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी चार्ज को कैरी कौन करवाता है? इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं? कंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स में आपके दो सेमीकंडक्टर है, मेनली उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पी टाइप और एन टाइप। वैसे तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो किसी सेमीकंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी, तो वहां पे होल्स की माइनॉरिटी होती है, तो कहीं पे होल्स की मेजोरिटी और इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स। उसके बाद आता है आपका लिक्विड, लिक्विड्स में होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। गैसेस, वैसे तो ज्यादातर गैसेस आपके इंसुलेटर हैं, लेकिन कुछ गैसेस जो कंडक्टर हैं जिनके अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव आयंस, केवल इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयंस गैसेस में होते हैं। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब आपकी एक डिवाइस है, जो कि ये मान के चलिए कि सेमीकंडक्टर की जब डिस्कवरी हुई थी तो सबसे पहले आपका वैक्यूम ट्यूब को ही डिस्कवर किया गया था, जिसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, विच आर एमिटेड फ्रॉम वन प्लेट। जो एक प्लेट एमिट करती है वही आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपके वैक्यूम ट्यूब में भी क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो बाकी डिटेल्ड स्टडी इन सभी की, जो सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, जो दो चीज आपने नई सुनी है यहाँ पे, इनकी डिटेल्ड स्टडी हम पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा आपका सेमीकंडक्टर उसमें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसके अंदर ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक हम लेके चलते हैं, कोई भी कंडक्टर है, अप्रोक्सीमेटली सभी कंडक्टर्स में एक बुक में डाटा है, उसके अकॉर्डिंग 10^28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर होते हैं। पर क्यूबिक मीटर के अंदर कितने? 10^28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी टाइप ऑफ कंडक्टर मूव्स इन रैंडम मोशन अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी 10^5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स बहुत ज्यादा है, ये मान के चलिए कि कम, बहुत ज्यादा है, 10^5 मीटर पर सेकेंड इनकी रैंडम वेलोसिटी होती है एट ए रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे ये जो रैंडम वेलोसिटी होती है, इसी को थर्मल वेलोसिटी का नाम दिया गया है। इसी को क्या नाम दिया गया है? थर्मल वेलोसिटी का नाम दिया गया है। तो ये जो थर्मल वेलोसिटी है, ये रैंडम होने के कारण इसकी जो एवरेज होती है वो आपकी जीरो होती है, यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। थर्मल वेलोसिटी का मतलब समझते हो ना? रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हीट है, टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे जो हीट एनर्जी है, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन से आपके मूव करने लग जाते हैं। तो उनको बोलते हैं आपके, उनकी जो वेलोसिटी है उस टेम्परेचर की, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी U1 है, दूसरे की U2 है, ऐसे ही करके और UN तक आपकी थर्मल वेलोसिटी है।
If their average is u, then u is equal to u1 plus u2 up to un upon n number of electrons, which is equal to 0. तो ये होगी आपकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास कंडक्टर था जिसके अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी थी, उसको मैं उठा के और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं। सपोज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, इसमें मैंने रख दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है उसको हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं, क्या वो E की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा मैं उसको नाम दे रहा हूं क्या, E चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फोर्स इसके ऊपर लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर है, इसमें चार्ज की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, तो ये फोर्स मैं क्या लूंगा, E इनटू में E, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव सिंबल हेयर। तो F इज इक्वल टू हो गया है माइनस ऑफ E अपॉन माइनस ऑफ E इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है फोर्स। अब मैं बात करता हूं मेरे को निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम वगैरह या जो भी चीजें मेरे को चाहिए, तो मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रॉन कोई इधर जा रहा था कोई इधर, तो जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो आप सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में जल्दी आए और इनके बीच में गैप है कम, इट मीन्स इसके लिए फोर्स अलग, इसके लिए अलग, यानी इसकी क्वांटिटी अलग अलग होगी, क्वांटिटी अलग अलग होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज दौड़ेंगे, ये दौड़ेंगे धीरे, तो पीछे दौड़ने वाले आगे वालों के साथ क्या कर जाएंगे, कोलाइड। और ऐसा थोड़ी ना है कि इस कंडक्टर के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही है, इसके अलावा बहुत से पार्टिकल्स और भी हैं, आयंस भी हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं, तो उनके साथ भी कोलिजन होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है तो एक ही टाइम पे दो काम हो रहे हैं, जो जिसने टक्कर मारी वो अपनी वेलोसिटी को लूज कर रहा है और जिसने जिसके टक्कर लगी वो वेलोसिटी को गेन कर रहा है। अब डेफिनेटली इसकी किसी कोई भी डायरेक्शन थी उसके ऊपर फोर्स लगा, तो फोर्स लगने के बाद जब तक ये कोलाइड नहीं करेगा तब तक इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी, इट मीन्स टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पे मेरे को जरूरत है एक्सेलरेशन की, किसकी जरूरत है एक्सेलरेशन की, तो ये एक्सेलरेशन कहां से निकालें, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, यू नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। अब यहां पे एक्सेलरेशन आपकी आ गई है, एफ की जगह पे इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देख के एफ की वैल्यू में रख देता हूं, तो a इज इक्वल टू एफ अपोन एम बना, तो f की जगह f अपोन में m और विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ e अपोन m, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो बहुत से न्यूमेरिकल्स में आपकी एक्सेलरेशन निकालने के काम आती है और फर्स्ट चैप्टर में आप इसको यूज कर भी चुके हो, तो मैं बाकी सभी चीजों को हटा के ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है इनको यहाँ पे नोट कर रहा हूं। एक तो क्या आया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस अप टू यू एन इज इक्वल टू जीरो, और एक इक्वेशन मेरे पास आई है इसको फर्स्ट नाम दिया है, दूसरी इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वो है ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई अपॉन एम, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन, ये मेरे काम की थी, मैंने इनको नोट कर लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं
सभी के ऊपर फोर्स तो लगेगा जो कितना होगा F इज इक्वल टू माइनस और E इंटू में ए, लेकिन कहीं पे इसका मैग्नीट्यूड कम और कहीं पे ज्यादा होगा। तो सपोज कीजिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी थर्मल वेलोसिटी तो थी ही थी, जैसे इसके ऊपर क्या लगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इन्होंने एक्सलरेट करना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कर दिया शुरू कर दिया। तो फोर्स सभी पे लग रहा है, कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा, कोई किसी के साथ कोलाइड कर रहा है कोई किसी के साथ कोलाइड कर रहा है, तो ऐसा हुआ। जब तक कोलिजन इसका नहीं हुआ तब तक लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, इसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही कोलिजन हुआ, तो मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन इधर था और एक इलेक्ट्रॉन इधर था, इस वाले ने आके इसके साथ कोलाइड या ये इसका इसका आपस में क्या हो गया कोलिजन ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड के साथ स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करते इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को कोलिजन बोलते हैं। तो ये इसने जो वेलोसिटी गेन की थी वो कुछ टाइम बाद, उस टाइम को क्या बोलते हैं कुछ टाइम बाद इसने क्या कर दी लॉस्ट कर दी, सारी की सारी लॉस्ट कर दी। लेकिन वो किसने गेन कर ली इस सेकंड ने कर ली, तो इनके बीच का जो टाइम रहा इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन अभी हमने केवल एक दो इलेक्ट्रॉन के बीच में निकाला है, डेफिनेशन ये मत लिखते ना कि इन्हीं के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन, मैं बता रहा हूँ ये जो टाइम है जब यानी एट कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन कुछ देर तक फ्रीली मूव किया, जितनी देर तक वो फ्री मूव किया उसी टाइम को हम क्या बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। हमें एवरेज निकालनी है उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन, यही लेकिन टाइम यही है एवरेज निकालेंगे बस, बाकी कोई चेंजमेंट इसके अंदर हम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी गेन की v1, कितनी v1, तो उसकी थर्मल तो थी और प्लस में उसने क्या और गेन कर ली एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है a इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे टाइम किस फॉर्म में है टो की फॉर्म में है, रिलैक्सेशन टाइम इस फॉर्म में टो की फॉर्म में है। तो आपके पास मेरे को क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्वल टू a इनटू टो, तो मेरे पास आ गया है ये v1 इज इक्वल टू a इनटू टो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ सिमिलर उसके बाद क्या होगा v2 भी होगा, तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इनटू टो। तो यहाँ पे आप चाहो तो t1 t2 t1 t2 आप यूज कर सकते हो, तो इस तरह से आपका काम तक चला जाएगा vn इज इक्वल टू un प्लस a टो n। ये मेरे पास क्या आगे है वेलोसिटीज आगे है। अब मेरे पास है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब मेरे पास कितने हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्या करता हूं एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूं और यहां से जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको मैं मान के चल रहा हूं कि वो vd होगी, क्या होगी vd एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको मैं नाम दे रहा हूं vd, क्या नाम दे रहा हूं vd विच इज इक्वल टू क्या आएगा भाई u1 प्लस a टो 1 a प्लस, ऐसे ही आपका चलता जाएगा जगह कम है तो मैं केवल डायरेक्ट लिख रहा हूं un और प्लस a टो n ऐसे हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा अपोन में क्या आ जाएगा n। अब मैं क्या करता हूं इनको सेपरेट कर देता हूं, इनको सेपरेट सेपरेट कर देता हूं, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास और vd इज इक्वल टू सेपरेट करूंगा तो मैं इन u1 u2 वाले टर्म्स को एक साथ लिख देता हूं u1 प्लस u2 प्लस अप टू un अपोन में n, इसको मैं अलग से लिख देता हूं प्लस, अंदर क्या आएगा एक्सेलरेशन तो कॉमन है उसको मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर देखिए क्या करता हूं टो वन प्लस टो टू अप टू टो एन और होल अपॉन एन, ये मेरे पास आ गया है
एक्सप्रेशन। अब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको नाम दे लीजिए जो इक्वेशन थी, इक्वेशन थर्ड, वी कैन राइट दिस कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू जीरो। इट मींस वी डी इज इक्वल टू, यहां से आपके पास वी डी इज इक्वल टू क्या बचा, ए, यहां पे मैं लिख रहा हूं टू, वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टू। तो ये टू क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम वेयर टो इज इक्वल टू, आप लिख दोगे टो इज इक्वल टू टो वन प्लस टो टू अपॉन में एन, ये है आपका टो। तो अब आप यहां से रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन बना सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी आप बना सकते हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास आ गया है वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टो। उसके बाद इसी के अंदर आपको इस ए की वैल्यू और रख के दिखानी है, क्योंकि इस फॉर्म में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम यूज होती है, ये यूज होती है आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू रखने के बाद वाला फॉर्मूला। तो आपके पास वी डी बहुत ही फेमस इक्वेशन है, बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा बार पेपर में रिपीट हुई है, न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आपका पेपर में आता है। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये जो वैल्यू है ए की जगह पे रख दीजिए, क्या आ गया माइनस ऑफ ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टू, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन वी डी एंड करंट आई, आई और वी डी के बीच में क्या रिलेशन रहेगी। तो मान के चलते हैं, लेट अस कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज placed at somewhere such that a potential difference of V is applied across the ends of that conductor, due to which an electric field E is set up। मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया ए, उसको मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। मैं मान रहा हूं कि उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, उसकी वजह से द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए क्या रहेगी, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव रही आपका नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनर, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मूव करेंगे। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से कहां जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद एक चीज और हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन दिस लेंथ, इस लेंथ के अंदर या पर यूनिट लेंथ में मैं मान लेता हूं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए मेरे को रिलेशन निकालनी है आई और किसके बीच में, वी डी के बीच में। तो आई तो मेरे पास आ गया कि यहां से जो करंट सेट होगा वो आई मैं मान लूंगा, ठीक है। और एक चीज और लिख लीजिए, आई का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या वाई टी, ये हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं वी डी की, तो वी डी तो अब तक है ही नहीं, तो उसको और कंसीडर करना पड़ेगा। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अप्लाई करने के बाद एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हो जाती है। अब हम रिलेशन निकालेंगे, तो देखिए अब केवल मैथमेटिकल पोर्शन आपका बचा है, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए मेरे को क्या रहेगा, टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ में है n, पर यूनिट लेंथ में। अब वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसका एरिया भी है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर हमने यूज किया है ना, उसका क्या यूज करूंगा मैं, वॉल्यूम। तो विच इज इक्वल टू क्या हो गया, n इनटू an। ये क्या है आपका, वॉल्यूम। जो कंडक्टर हमने यूज किया है उसका क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये अगर वॉल्यूम है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने निकाल दिए। अब मेरे को निकालना है टोटल चार्ज। क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो मैंने देखो ऊपर क्या यूज किया है, क्या हुआ, आई इज इक्वल टू क्या हुआ आई टी। तो मैं मान लेता हूँ टोटल चार्ज क्या है, क्या हुआ, लेट इट बी क्या हुआ, और विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हुए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई के बराबर। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ई इंटू में एन इंटू में ए इंटू एन। ये मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, इसका यूज कर देता हूं। इसका क्या कर देता हूं, यूज। कैसे यूज करूंगा, देखिए टाइम को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ पे। सपोज द एवरेज टाइम टेकन टू क्रॉस दिस लेंथ बाय द इलेक्ट्रॉन इज टी विद वेलोसिटी वीटी। सही है कि नहीं है, देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन इस एंड से चला डेफिनेटली वो इस एंड पे पहुंचेगा। मैं मान रहा हूं कि यहां से और यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो मैंने कितना ले लिया, टी ले लिया। डिस्टेंस कितना है, लेंथ है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वी नो दैट वी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम। क्यों ना उस टाइम को मैं यहाँ पे चेंज कर दू, क्यों ना मैं उसे टाइम को यहाँ पे चेंज कर दू। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहले तो मैं एज इट इज यूज कर लेता हूं, जो टोटल चार्ज मेरे पास आ गया इसको यहाँ पे यूज कर देता हूं, उसके बाद देखूंगा क्या होता है। तो मेरे पास आ गया है, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ। तो वहां पे है मेरे पास आई इज इक्वल टू क्या बाई टी, नो प्लेस द वैल्यू ऑफ क्या, यहां से क्या की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो क्या आ गया, I इज इक्वल टू क्या हो, किसी क्या लिख दू, E N A और L। देखो बिल्कुल भी टॉपिक को रटना नहीं है, आप अपने तरीके से सोल्व करते जाइए। आपका काम केवल एक है कि एक ऐसी एक्सप्रेशन बनाइए जिसमें एक साइड में I हो और एक साइड में V D। इसके अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स बच गई वो या तो आई की साइड में हो या फिर वी डी की साइड में, बस केवल आपका ये काम है। तरीका आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। देखिए तो आई इज इक्वल टू मैं कह रहा हूं कि क्या हो, किसी के मैंने ये लिख दिया अपॉन में टी। बताओ सही है कि नहीं, इक्वेशन नाम दे लेंगे इसको, क्या नाम दे लेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। पहले क्या लिखेंगे, we know that I is equal to क्या by t, now by using equation first we can write I is equal to this। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से इस time की value निकालता हूँ vd वाली equation से, ये तो आपकी यहाँ से मैं देखिए time की value निकालता हूँ, where t is equal to l upon vd। लिख सकता हूँ कि नहीं, ये t चला गया इधर और ये इसको equation से क्या दे देता हूँ। Now by using equation second we can write which is equal to, तो आप इसकी जगह पे रखिए तो L नीचे आ जाएगा और VD चला जाएगा ऊपर। तो E N A L into VD और अपॉन में ये बेस है VD, ध्यान रहे इसके पैरों में ही लिखना है D को, इसके बराबर मत कर देना। अपॉन में क्या आ गया आपका L, L से L, N से, तो आ गया आपके पास रिलेशन I is equal to E N A V D। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, उसको ड्राइव करके दिखाइए। और सॉइल फिजिक्स में ऐसे आर्टिकल से आसान कुछ होता भी नहीं है, बहुत इजी होते हैं ये, केवल
जो चीजें हमें यूज करनी होती हैं एक बार के लिए माइंड में, देखो जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होती है वो माइंड में सेट जरूर होनी चाहिए। यानी मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, फिजिक्स में दोनों चीज बहुत जरूरी है, समझना सबसे ज्यादा जरूरी, और अगर न्यूमेरिकल्स को बहुत फास्ट करना है तो रट्टे भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं उनकी फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज मार खा जाओगे। तो जब हम भी ये रिलेशन निकालेंगे तो माइंड में ये जरूर सेट होगा कि रिलेशन में ये आना है, अगर ये आना है तो यहाँ पे यूज हो रहा है ई, क्या यूज हो रहा है ई, ई क्या था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एन क्या था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, ए क्या था एरिया, ये क्या थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो माइंड में सेट कर लीजिए कि अज्यूम क्या क्या करना है, क्या क्या अज्यूम करना है, अगर ये चीज आपको याद है तो अजम्पशंस आपके अपने आप बन जाती हैं, ना कि एक कंडक्टर लेना है, लेंथ लेनी है, एरिया लेना है, एन लेना है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लेना है, ये सब कुछ अपने आप अज्यूम हो जाता है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, यही आपकी ज्यादातर रिपीट होती है। एक यहाँ पे बहुत इजी सा बन रहा है, आपने करंट डेंसिटी पढ़ा था, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या आया था आई अपॉन में ए, तो विच इज इक्वल टू, यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या बन रहा है ई एन ए वी डी अपॉन में ए से ए कैंसिल। तो यहाँ से करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन आपकी बन रही है ई एन वी डी, तो ये भी आप साथ साथ कर लीजिए। तो मेरी तरफ से टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ तक वो मैंने करवा दिया है, आपको जो करना है ये तो साथ साथ करना है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट में डाल दूंगा आप तक, तो जितने भी टॉपिक बोले उन सभी के किस तरह के क्वेश्चन अब तक रिपीट हुए हैं वो सारे मैं आपको एज असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के जस्ट बाद। और आपको जो असाइनमेंट करने का टाइम है उसको सेट करना है, वीडियो वॉच करने का टाइम अप्रोक्सीमेटली आपका 1 बजे के आसपास से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैंने कल आपको टाइम सेट करके दिया था कि ये आपका वीडियो वॉच करने का टाइम रहेगा। उसके बाद अगर कुछ बच्चों का आगे पीछे हो जाता है तो किसी के पास फोन कब किस टाइम पे आता है, किसी के पास किस टाइम पे, तो वो ऐसा नहीं है कि जिद करके बैठ जाएंगे हमें तो ये टाइम मिला हम तो इसी टाइम पे पढ़ेंगे, तो आप टाइम को मैनेज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग और टाइम टू टाइम वीडियो को वॉच कीजिए, डेली का वीडियो ये कोशिश करें कि डेली आप वॉच करो। उसके बाद जो असाइनमेंट होता है, मान लिया कि किसी बच्चे का आज जो मैंने वीडियो देखना था जैसे सुबह 9 बजे देखना था, 8 बजे देखना था, और उसको फोन मिला रात को, तो बीच के टाइम वो क्या करेगा, ऐसे में थोड़ा ना फ्री रहेगा, तो आज भी वीडियो के बाद जो मैं असाइनमेंट डाल रहा हूँ वो आपको लग रहा है कि कल मेरे को फोन नहीं मिलेगा, तो जिस टाइम पे बाकी बच्चे वीडियो वॉच करते हैं आप उस टाइम पे उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही मैं कुछ रोल नंबर डालता हूँ ग्रुप में कि ये बच्चे मेरे पास असाइनमेंट डाल दे, तो जिनकी जो प्रॉब्लम रहती है कुछ बच्चे कोई रिप्लाई नहीं करते, तो रिप्लाई जरूर करो कि मेरे पास तो इस टाइम पे फोन नहीं था इसलिए मैंने ये असाइनमेंट इस टाइम पे सोल्व नहीं किया, आपको इस टाइम पे मैं सोल्व करके वो डाल दूंगा, इस तरह के आपके रिप्लाई आना चाहिए जरूर, ऐसा नहीं है कि देखा भी और ना देखा बराबर कर दो, ऐसा मत किया करो। तो सभी से रिक्वेस्ट है सभी वीडियो को टाइम से देखे, वीडियो वॉच सभी रेगुलरली करें, रेगुलरली मीन्स फिजिक्स के बाद जैसे जिसकी देखनी है जो आ रही है आपको, इस तरह से आप सीक्वेंस से देखिए और फिर उसके बाद अपने टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके उसको टाइम फिर दोबारा दीजिए कि अब हम बुक के अंदर रीड करते हैं, किसी में असाइनमेंट मिला है तो उसको कंप्लीट करते हैं, कोई और न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कवर करना है, टाइम को मैनेज कर लीजिए, क्योंकि इस चीज का अभी कोई फिक्स नहीं है कि कितना टाइम लग जाए स्कूल की क्लासेस लगने में। सोच तो रहे 3 तारीख से यानी 3rd ऑफ मई से लग जाए, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि स्कूल की क्लासेज शुरू हो जाए मई में, तो हो सकता है कि जून तक चला जाए आपका और हो सकता है उसके बाद भी चला जाए, तो इसलिए आप रेगुलरिटी बनाइए और लगातार पढ़ना शुरू कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो का साइज भी बढ़ा रहा हूँ, इस हिसाब से चल रहा हूँ मैं कि जितना आपका क्लास में कवर होता था कोशिश करूं कि वीडियो में कवर हो जाए, ताकि अगर ज्यादा टाइम तक क्लासेस नहीं लगी तो सिलेबस वाली दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए मैं थोड़े से टॉपिक ज्यादा और वीडियो का साइज बढ़ा रहा हूं। आप पे यूट्यूब पे अगर किसी की मेमोरी कम है नेट कम है तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज परमानेंट रहेंगी आपके यूट्यूब पे, तो जरूरी नहीं है आप उसको डाउनलोड करो, आप यूट्यूब से
वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, और साथ साथ जैसे ही आप उस वीडियो को वॉच करते हो तो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, चाहे वो केमिस्ट्री का देख रहे हो, मैथ का देख रहे हो, फिजिक्स का देख रहे हो, किसी का वीडियो देख रहे हो, टॉपिक का नाम, उसके बाद वो जब आप उसको ऑन करते हो तो उसके नीचे लिखा मिलता है कि ये टॉपिक यूट्यूब पे इस चैनल पे किस नाम से डाला गया है, तो जो नाम से डाला गया वो नाम एज इट इज उस टॉपिक के सामने लिख ले, कभी रिवीजन करो तो उस टाइम पे वो आपके काम आए, हो सकता है किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आए तो तुरंत यूट्यूब पे आप उस टॉपिक पे आगे देखें कि यूट्यूब पे किस नाम से मिलेगा, वो नाम डाल दीजिए, आपके पास टॉपिक आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार हम टॉपिक का नाम एक डालते हैं उसमें यूट्यूब पे, उसमें कर देते हैं ट्रेंड टॉपिक, आप ढूंढते रहोगे आपको मिलेगा नहीं, इसलिए वो किस नाम से मिलेगा यूट्यूब पे, वो नाम आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें आप टॉपिक लिखते हो तो वहां पे वो जरूर लिख ले साथ साथ कि यूट्यूब पे इस नाम से हमें ये मिल सकता है बाद में कभी दिक्कत आई तो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।